अगर वो यहां आएगा तो मैं वहां जाऊंगा, ये बिल्कुल वैसा ही फिक्रा है जैसा ऊपर दिया गया है। इसकी इंग्लिश भी आपने पहले वाले फिक्रे को मद्देनजर रखते हुए करनी है। यहां देखें जरा, अगर आ गया है तो हम यहां पर लगाएंगे इफ, वो ही आ गया, यहां आएगा इफ ही कम्स हेयर, फिर आपने कॉमा लगाना है, तो मैं वहां जाऊंगा, आई शेल गो देयर। स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल सेंटेंस पार्ट वन हमने किया है। कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट टू भी मैं आपको करवाऊंगा। उसमें क्या होता है कि वो भी एक फिक्रा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, लेकिन दोनों फिक्रों के आखिर पर ता ते या फिर ती ती आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फिक्रा मैं आपको देता हूं, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर वो यहां आता तो मैं वहां जाता। इसकी इंग्लिश जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द। आप हो सकता है एक दो दिन तक आप वो वाली वीडियो भी देखें, इसको अच्छे तरीके से देखें। अगर ये कंडीशनल सेंटेंसेस में से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, वैसे तो मैंने बुरी कोशिश की है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है, आप मुझे SMS करें, मुझे कॉल करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आई हैव रिटन सेवरल बुक्स, 15 बुक्स का मैं राइटर हूँ। अगर आपको किताबें फ्री चाहिए तो मैं आपको फ्री गिफ्ट भी कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़, बाय बाय।